हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग के मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा हॉवर्ड हरिकन वर्सेस मेलबर्न स्टार वुमेन के बीच में। तो काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है। देखो, अभी कोई खास मैसेज है नहीं वुमेन बिग बैश लीग को छोड़ करके, तो हम लोग का फोकस रहेगा इसी मैच में अच्छी अर्निंग की जाए। तो स्मॉल लीग की टीम हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि परफेक्ट स्मॉल लीग की टीम होगी और अच्छी आपको विनिंग करवा के देगी फोर मेंबर लीग में। एंड जीएल की भी कुछ कम्बिनेशन है जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। मेगा लीग में दो कम्बिनेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में हर एक मैच की अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इस मैच की स्मॉल लीग और जीएल की टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बात करेंगे इस मैच की स्मॉल लीग की टीम की और कम्बिनेशन की, जो कि यूनिक कम्बिनेशन होगी। उससे पहले हम इस मैच पर फोकस डाल लेते हैं, क्या है इस मैच के बेसिक स्टैट्स वो देख लेते हैं। यार, दोनों टीम की अगर हम बात करें हेड टू हेड की, पहले पिछले पाँच मैच की बात करें, तो पाँच मैच में हॉवर्ड हरिकेन वुमेन ने चार मैच विन किया, एक लॉस है। वहीं पर अगर मेलबर्न स्टार की बात करें तो पिछले पाँच मैच में दो लॉस है और तीन विन है। दोनों बराबर की टीम लग रही है। अगर यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर हॉवर्ड हरिकेन भी यहाँ पर भारी है इसका पलड़ा। छः मैच जीती हॉवर्ड हरिकेन वुमेन ने एंड चार मैच मेलबर्न स्टार ने। अगर पिछले दो मैच की बात करें तो दोनों मैच जो रिसेंट दो मैच हुए हैं उसमें हॉवर्ड हरिकेन ने मेलबर्न स्टार को हराया है। जो सबसे रिसेंट मैच हुआ है 6 विकेट से हराया, उससे पहले वाले मैच में 63 रन से। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ज़्यादा चांस आपको जीतने के हॉवर्ड हरिकेन वुमेन के, तो उसी के फेवर में टीम बनाना है। अगर पॉइंट टेबल की भी बात करोगे तो पॉइंट टेबल पर भी हॉवर्ड हरिकेन वुमेन तीसरे पोजीशन पर है अभी तक में, 10 मैच में से 6 विन है, 3 लॉस है। वहीं पर अगर मेलबर्न स्टार वुमेन करी, 10 मैच खेलने अभी तक सिर्फ 3 ही विन है, 5 में लॉस है, 2 में नो रिजल्ट रहा है। टॉप बैट्समैन की बात कर लेते हैं दोनों टीम की तरफ से, तो यहाँ पर टॉप बैट्समैन में एनाबेल स्टर्लैंड आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है, जो कि मेलबर्न स्टार वुमेन की तरफ से खेलती है। 248 रन है 8 मैच में। वहीं पर इसके बाद हैथर ग्राम की बात करें, जो कि आपको काफ़ी कमाल की बैट्समैन और काफ़ी कमाल की बॉलिंग करती है, हॉवर्ड हरिकेन वुमेन की तरफ से खेलते हुए नजर आएगी, 206 रन है 9 इनिंग में। वहीं पर एम प्रोज साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग करती है, ऊपर में आती खेलने के लिए, 1 डाउन आएगी बैटिंग करने के लिए और अच्छी बैटिंग करती है, 9 मैच में 200 रन है। विकेट कीपर बल्लेबाज लेजली ली, जो कि आपको हॉवर्ड हरिकेन के ही तरफ से खेलते हुए नजर आती है, 174 रन 9 इनिंग में। ये भी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है और काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी करती है। इसके बाद एस्ली विलानी की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में ओपन आएगी आपको ली के साथ में। इसकी अगर रन की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया अभी तक, 9 इनिंग में 173 रन बनाए हैं। बॉलिंग स्पिन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, जो भी ग्राउंड पे मैच खेला जाता है ना, वहाँ पर हर एक ग्राउंड में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलता है पेसर्स के मुकाबले। तो एम सेंट्रानो टॉप विकेट टेकर है दोनों टीमों में से, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं 15 विकेट सेंट्रानो ने लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सटरलैंड की, 15 विकेट इनका भी 10 मैच में। एस मोलोनी की बात करें तो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दोनों ये प्लेयर आ रहे हैं, एनाबेल स्टर्लैंड एंड एस मोलोनी, 3-3 विकेट दोनों प्लेयर ने निकाले थे। यहाँ पर 14 विकेट है 10 मैच में। वहीं पर अगर हम बात करें गिब्सन की, ये भी आपके लिए मस्ट पिक होगी, गिब्सन मैंसी गिब्सन 9 मैच में 11 विकेट है, 9 मैच में 9 विकेट में निकोला केरी के, जो कि हॉवर्ड हरिकेन के तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और ऑलराउंडर सेक्शन में ये आपको मिल जाएगी। तो ये थी कुछ प्लेयर के स्टैट्स, अब सीधा चलेंगे हम स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करेंगे। दोस्तों, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, इस पे जैसे हम डिस्कस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप लॉस में हो फैंटेसी में तो एक अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है विजन 11। आप सब बहुत जानते भी होंगे, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इस पे खेलते हैं। अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आप लेट कर रहे हो, इस पे खेलना स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं। एक बार हम विजन 11 पर आपको लेकर के चलते, काफ़ी यहाँ पर देखो ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लाना काफ़ी यहाँ पर इजी है, एंड स्मॉल लीग में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, हाई इन्वेस्ट कर सकते हो, रीजन कंपटीशन कम, दूसरा आपको एंट्री फी कम। दूसरे एप्लीकेशन पर जिस कंटेस्ट के 1500 लगेंगे, यहाँ पर 1350 लगते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप काफ़ी बचत कर सकते हो यहाँ पर कंटेस्ट ज्वाइन करने में। लीडर बोर्ड हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक टूर्नामेंट में मिलेगा, हर एक स्पोर्ट्स अवेलेबल है, रिजर्व फैंटेसी 3-4 तरह के आप यहाँ पर फैंटेसी खेल सकते हो, तो काफ़ी तगड़ी एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑथराइज्ड ऐप है, कहीं से कोई इशू नहीं होगा आपको, विड्रॉल वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, इशू का कोई है ही नहीं इसमें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, अगर रेफर कोड मांगेगा तो नीरज 7 डाल देना। चलते हैं अब स्मॉल लीग के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर आप डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करो, इस पर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाओगे आप।
देखो यार, स्मॉली की जो टीम मैंने बनाई है हवर्ड हरिकन वुमेन के फेवर में, क्लियर है कि जो हवर्ड हरिकन वुमेन इस मैच में जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एल्ली को मैंने पिक किया है यहाँ पर। अगर हम बात करें एक मिनट, विकेट कीपिंग सेक्शन में तो एल्ली को मैंने पिक किया, और बैटिंग सेक्शन में बिलानी परोज एंड एमडी परेज के बाद एक कैप्सी मस्ट पिक है। सिलेक्शन परसेंट भी हाई है लेकिन इस मस्ट पिक इसीलिए, ये बॉलिंग भी आपको 3 ओवर से 4 ओवर तक कर ही लेती है हर एक मैच में, ठीक है। तो ये विकेट भी निकाल सकती है तो अच्छी पिक हो जाएगी। आप ये देखो ऑलराउंडर, ये जो चार ऑलराउंडर है ना, आप देखो रखना है स्मॉल्डिंग में, क्योंकि ये चारों टॉप क्लास प्लेयर है, हर एक मैच में अच्छा प्लेयर है हर एक प्लेयर का। एनाबेल स्टर्लैंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले मैच में रहा, कमाल की बैटिंग कमाल की बॉलिंग। एच ग्राहम बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देगी। किम ग्राथ की बात करें तो हर एक मैच में ये भी अच्छा बैटिंग भी करती है और बॉलिंग भी सही करती है। निकोला केरी की तो आपको कहना ही नहीं, एक अटैकिंग बल्लेबाज है और बॉलिंग से भी ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती है। और वहीं पर बॉलिंग सीजन की बात करें तो यहाँ पर मैंने एम एस स्टानो को पिक किया, एंड अगर हम बात करें दूसरे बॉलर की तो यहाँ पर एस मोलोनी को पिक किया है। एस मोलोनी के बाद यहाँ पर एम गिब्सन मेरे टीम में रहने वाली है। यार देखो ये तीन बॉलर को मैंने पिक किया, चार ओवर, कैप्टन एच ग्राम को रखा। आपके लिए सेफ कैप्टन चॉइस ईस्टरलैंड होंगी लेकिन मैंने एच ग्राम को पिक किया। जो टीम स्ट्रांग है उसके कैप्टन को रखने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप सेफ बीसी में जा सकते हो ईस्टरलैंड के साथ, बट मैं यहाँ पर बीसी गया हूँ किसके साथ, एम एस्ट्रनो के साथ। ये टीम है जब पहले बॉलिंग करेगी हवा ठानी कट की टीम, अगर बॉलिंग बैटिंग करेगी तो ईस्टरलैंड बीसी रह सकती है, बाकी सब सेम है। थोड़ा सा अगर आप चेंजेस चाहो तो एक ट्रंप पिक यूज कर सकते हो किसके जगह पर, निकोला केरी के जगह पर। यहाँ पर आप ए स्मिथ को पिक कर सकते हो, लेग ब्रेक गेंदबाज है, ज़्यादा मैच खेली नहीं है इस टूर्नामेंट में लेकिन काफ़ी आपको आपके लिए ट्रम्प कार्ड वो पिक हो सकती है ए स्मिथ, ध्यान में रखना। स्मॉली की टीम होगी ग्रैंडली की, आप देख लो ग्रैंडली की टीम मैंने बनाई है, बिल्कुल सब प्लेयर सेम है, ली विलानी परेज कैप्सी। इसके बाद देखो बी हेथ को भी पिक कर सकते हो कैप्सी के जगह पर, बी हेथ भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करती है, पिछले मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, जल्दी विकेट अपना नहीं फेंकेगी। एक कैप्सी की जगह बी हेथ को भी पिक कर सकते हो मेगा लीग में। स्टर्लैंड ग्राहम केरी यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया है किम ग्रैथ को, उसके जगह पर मैंने पिक किया सोफी डे। पिछले मैच में सोफी डे फ्लॉप रही थी, तीन ही ओवर मिला था बॉलिंग करने को, लेकिन ये प्लेयर ना आपको जीएल में काफ़ी अच्छा पॉइंट दिला सकती है, गुच्छों में विकेट निकालती है, 2-3 विकेट आराम से निकाल सकती है ये। मलोनी गिब्सन स्ट्रैनो और सोफी डे, कैप्टन ग्राहम स्टर्लैंड आपको बीसी, आप इसमें रिवर्स भी कर सकते हो कैप्टन बीसी, इस तरह से 2-3 टीम बना सकते हो। जीएल की तीसरी अगर ऑप्शन की बात करें तो ये बॉलिंग फेवर में हवा टारिकन के, ली बिलानी परेज टॉप 3 बल्लेबाज को मैंने पिक कर लिया हवा ठड़ेकन की तरफ से। एंड अगर हम बात करें एक्सी को पिक किया, आप चाहो तो बी हेथ को भी आप पिक कर सकते हो यहाँ पर। स्टर्लैंड किम ग्राथ ग्राहम निकोला केरी को ड्रॉप करके ए स्मिथ को पिक किया और बीसी कर दिया यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर एम एस्टर्नो कैप्टन मोलोनी को पिक किया, इसके बाद गिब्सन के बाद ए स्मिथ। यहाँ पर देखो मोलोनी का सोफी डे को भी आप पिक कर सकते हो, अच्छा पिक आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। एम एस्टर्नो कैप्टन ए स्मिथ बीसी, किसी टीम में ग्राहम को बीसी दे सकते हो, किसी टीम में आप गिब्सन को बीसी दे सकते हो, इससे 2-3 टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो चेंज करके। किसी टीम में स्मिथ या गिब्सन को ड्रॉप करके यहाँ पर आप निकोला केरी को पिक करके बीसी ट्राई कर सकते हो। तो जीएल की कुछ कॉम्बिनेशन थी, स्मॉली की कॉम्बिनेशन बता दी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो वहाँ से आप जा करके खेल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट करो यार, सब्सक्राइब कर लो और विजन 11 डाउनलोड करो, आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस।